हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। ये इश्क नहीं ऐसा, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये पंक्तियां चरितार्थ होती है दोस्तों, मुंबई के बरसुआ में रहने वाले हामिद निहाल अंसारी पर। हामिद निहाल अंसारी माँ फौजिया अंसारी जो कि एक कॉलेज की प्रोफेसर हैं और पिता निहाल अंसारी एक बैंकर थे। स्वयं हामिद निहाल अंसारी बीटेक एमबीए किया हुआ इंजीनियर, 2011 में कर बैठा ये वर्चुअल मोहब्बत। जी हाँ दोस्तों, वर्चुअल लव यानी आभासी मोहब्बत, और उस मोहब्बत के द्वारा पहुंच गया ये नर्क में। कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों हामिद निहाल अंसारी ने 2011 में अपने कंप्यूटर पर फेसबुक में अकाउंट बनाया। 2011 में ये लॉगिन होता है और नवंबर के लगभग एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जो होती है एक लड़की की, चैटिंग होती है और बात आगे बढ़ती है। दोस्तों यह दोस्ती चैटिंग करते करते प्यार में बदल जाती है और ये प्यार इस हद तक की गहराई पर पहुंच जाता है कि मिलने की तमन्ना होने लगती है। जब बात मिलने पर आती है तो पता लगता है लड़की है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहट जिले की। दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा प्रांत पाकिस्तान का जहां पर हमेशा माहौल अशांत रहता है और वहां पर लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी नहीं है। ऑनर किलिंग वहां आम बात है, अर्थात यदि लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ले या कुछ ऐसा काम कर दे जो घर वालों के सम्मान के विरुद्ध है तो लड़कियों को मार दिया जाता है। इस तरीके की घटना पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आम बात है। दोस्तों ये वहाँ की लड़की से इश्क कर बैठता है, अर्थात पाकिस्तान वो भी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत यानी करेला और नीम चढ़ा, वो भी बिल्कुल सड़ा सड़ा। तो दोस्तों मिलने की तमन्ना में ये मुंबई के कुछ वकीलों से मिलता है, वहाँ पर उनको अपनी बात बताता है और वीजा पाने की ट्राई करता है। लेकिन वकील इसको समझाते हैं इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अपनी इस बात को भूल जाए और कैरियर पर ध्यान दें। लेकिन यह कहाँ मानने वाला था। उसी दौरान वीर जारा फिल्म आती है जिसमें भी कुछ इसी तरीके की घटना होती है, शायद उससे भी यह इंस्पायर रहा हो। फिर दोस्तों ये वीजा पाने के तरह तरह के उपाय करता है। यह रोटरी क्लब का मेम्बर है इसलिए पाकिस्तान से अपने लिए इनविटेशन भी मंगा लेता है, लेकिन इसको किसी भी कंडीशन में वीज़ा नहीं मिल पाता है, बहुत प्रयास करता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, पाकिस्तान के लिए वीज़ा पाने के लिए केवल 10 रुपये का खर्च आता है इंडियन रुपीज़ में, और पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करें तो 15 रुपये खर्च आते हैं। लेकिन इसको वीज़ा किसी तरीके से नहीं मिल पाता है। बात बीतते जाती है, एक बार चैटिंग करते समय लड़की इससे कहती है कि घर वालों को सारी बात पता हो गई है, छोटी वाली बहन ने सारी बात बता दी है और घर वाले बहुत ज़्यादा नाराज हैं, शायद अब मैं आपसे बात नहीं कर सकूंगी। यह विचलित हो जाता है और फिर दोस्तों ये फेसबुक पर जो म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं उनमें पाकिस्तान के ही कोहट जिले के लोगों को सर्च करता है और इंटरनेट पर और भी सर्च करता है और वहाँ के कुछ 2-3 लोगों से दोस्ती करता है, जिसमें एक कोई लेडी डॉक्टर का भी उल्लेख है। दोस्तों उनसे दोस्ती करने के बाद यह उनको सारी बातें बताता है कि इस तरीके से इस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो आप लोग मेरी मदद करें। वो लोग मदद का आश्वासन देते हैं और इस तरीके से इसकी चैटिंग उन लोगों से भी चलने लगती है। दोस्तों फिर वह लड़की से एक बार पुनः बात होती है और वह लड़की कहती है कि मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, मेरे घर वाले मेरी शादी दूसरी जगह कर रहे हैं और मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, अतः आप आए और मुझे ले जाए और इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए। यह परेशान हो जाता है और उन लोगों से पुनः ये चैट करता है जिससे इसने दोस्ती कर रखी थी और भी जो पाकिस्तानी दोस्त थे। वो लोग कहते हैं कि हाँ आप यहाँ आ जाओ, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और इसको उकसाते हैं कि वहाँ क्या कर रहे हो। ये कहता है मेरे पास वीजा नहीं है, मैं कैसे आऊँ। तो उनमें से ही एक इसको उकसाता है, कहता है अफगानिस्तान के रास्ते आ जाओ, कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे हैं, सब संभाल लेंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको उल्लेख कर दूँ, पाकिस्तान जाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो है वीज़ा लेकर, जो कि वैध और उचित तरीका है। दूसरा तरीका है दोस्तों दुबई के रास्ते पाकिस्तान पहुँचने का, और तीसरा तरीका है अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुँचने का। दुबई और अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान जाने का जो
रास्ता है दोस्तों वह अवैध है और ये आपको नर्क की ओर ले जाता है। और हामिद निहाल अंसारी ने भी यही गलती करी, उन लोगों की बात में आकर अफगान के रास्ते पाकिस्तान जाने की सोची। दोस्तों इसने घर वालों से झूठ बोला, कहा मेरी अफगानिस्तान एयरलाइंस में सर्विस लग गई है, क्योंकि बीटेक किया हुआ था तो घर वालों ने भी मान लिया, लेकिन घर वालों ने मना भी किया इसको कि वहाँ ना जाओ क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। लेकिन ये कहाँ मानने वाला था, अफगानिस्तान के काबुल, काबुल से जलालाबाद और जलालाबाद से ये पाकिस्तान पहुँच गया, जैसा कि इसके पाकिस्तानी साथियों ने बता दिया था। इसको टैक्सी तक का किराया भी बता दिया था कि कितना लगता है जलालाबाद से। ये उनसे मिलता है वहां जाकर, दो तीन दिन के लिए इसे अपने साथ रखते हैं और जाली दस्तावेज बनवाकर इसको दे देते हैं, कहते हैं ये आपको काम पड़ेंगे। दोस्तों ये दस्तावेज लेकर उस कोहट जिले की ओर निकल जाता है अपनी महबूबा को ढूंढने, और रास्ते में जैसे ही बस पहुंचती है पुलिस इसका इंतजार ही करती रहती है। पाकिस्तानी पुलिस बस को रोकती है और इसके जब कागजात चेक करती है तो नकली दस्तावेज इस पर मिलते हैं। यह समझ जाता है कि मुझे फंसा दिया गया है, जिन लोगों ने मुझे बुलाया था उन्हीं ने यह खबर दी है। लाख कोशिश करता है, समझाता है, लेकिन इसकी कोई बात मानने वाला नहीं रहता। इसे जासूस करार दिया जाता है और पाकिस्तान की सेना के हवाले कर दिया जाता है। फिर क्या है दोस्तों, फिर जासूस पर जो जुर्म होते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है पाकिस्तान में भारत का जासूस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर शुरू होता है टॉर्चर का दौर। सबसे पहले इसको, क्योंकि ठंड का मौसम रहता है, सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और दोस्तों 7 दिन के लिए कर दिया जाता है खड़ा। यदि है थोड़ा भी झोंका लेता है या आजू बाजू होता है या गिरने की कोशिश करता जाता है तो की जाती है पिटाई। इसको पता भी नहीं रहता है कि कहां से कौन सा झापड़ा लगने वाला है या कहां से हमें डंडे पड़ने वाले हैं। इसकी बहुत बेरहमी से पिटाई की जाती है। इसके बाद इसे 15 फीट गहरे तलघरे में ले जाया जाता है, जहां पर एक छोटी सी कोठरी होती है, बिल्कुल अंधकार, सूरज की रोशनी देखने को भी नहीं मिलती है। दोस्तों उसमें एक छोटा सा बाथरूम होता है और केवल बाथरूम जाने की इजाजत होती है इसको 24 घंटे में एक बार। बेरहमी से पिटाई की जाती है, किसी भी वक्त आकर कोई भी मारने लगता है। खाना इतना दिया जाता है कि केवल इसे जीवित रखा जा सके। दोस्तों नहाने की तो बात ही दूर है, इसके शरीर में कुछ समय बाद कीड़े भी लग गए थे। पिटाई इतनी की गई कि बाएं आंख की रेटिना भी फट गई थी। तो इस तरीके से इस पर टॉर्चर होता रहता है, बहुत जुर्म किया जाता है और इससे कहा जाता है कि स्वीकार लो तुम भारत के जासूस हो जो पाकिस्तान आए थे। लेकिन ये अपनी जो बात है सच्चाई कि मैं किस कारण से आया था, किस प्रयोजन से आया था, यह बताता है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं मानता। वहीं पाकिस्तान इंटेलिजेंसी इस बात की तफ्तीश करती रहती है कि वास्तव में ये सही कह रहा है या गलत। तो उनकी जो तफ्तीश में इसके पक्ष में ही कुछ परिणाम जाते हैं। लेकिन दोस्तों होता यह है कि जैसे ही इसके पक्ष में बात आती है उस अधिकारी का ट्रांसफर, फिर दूसरा अधिकारी, नए सिरे से फिर वही टॉर्चर की बात शुरू हो जाती है। इस बीच दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब ये पाकिस्तान पहुंच जाता है, अफगानिस्तान में जब तक रहता है घर वालों से बात करता रहता है और अचानक इसकी बात होना बंद हो जाती है, तो 6-7 दिन बाद घर वाले विचलित हो जाते हैं, इधर उधर दोस्तों से पता करते हैं, लेकिन कुछ बात समझ में नहीं आती है। अचानक घर वाले जब इसका कंप्यूटर खोलते हैं तो देखते हैं इसका फेसबुक अकाउंट, वहाँ पर इसकी चैट जब पढ़ते हैं तो उन्हें पता लगता है ये तो पाकिस्तान पहुंच गया है, क्योंकि चैट में कुछ बातों का उल्लेख था कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। दोस्तों विचलित हो जाते हैं, घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और वे फिर इसकी शिकायत भी भारत सरकार से करते हैं। दोस्तों इस बीच घर वाले मक्का भी पहुंचते हैं, वहां पर जाकर दुआ करते हैं। एक माँ दुआ करती है तो कहते हैं जैसे कि दुआ का असर जरूर होता है, इनको मक्का में ही पाकिस्तान की एक पत्रकार जीनत शहजादी मिलती है। ये पाकिस्तान की पत्रकार जीनत शहजादी को पूरी घटना बताते हैं तो इनको आश्वासन दिलाती है पाकिस्तान में जाकर इस बात को जरूर उठाऊंगी, और वह पाकिस्तान में जाकर इस बात को उठाती भी है। लेकिन दोस्तों अचानक रहस्यमय ढंग से जीनत शहजादी को गायब कर दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल के बाद पाकिस्तान की सेना को यकीन होता है कि ये वास्तव में जासूस नहीं है। इस पर केस चलता है और फिर इसको सजा होती है 3 साल की। सजा इस बात की होती है कि आपने नकली दस्तावेज रखे हैं और अवैध रूप से पाकिस्तान में आए हैं। इसका केस लड़ते हैं काजी अहमद अनवर और रक्षंदा नाज। रक्षंदा नाज और काजी अहमद अनवर पाकिस्तान में मानव अधिकार कार्यकर्ता वकील हैं।
इसे मर्दान जेल में रखा जाता है, वहां पर साफ सफाई का कार्य दिया जाता है, इसे सी क्लास में रखा जाता है। दोस्तों पाकिस्तानी जेल वहां पर ए बी और सी क्लास होती है, मैंने भी इस पर एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सी क्लास जिसमें तकलीफ बहुत होती है उसमें इसको रखा जाता है, वहां पर साफ सफाई का कार्य और कुछ लिखा पढ़ी का कार्य भी इसे दिया जाता है। वहां पर रक्षंदनास इसके जो वकील रहती हैं इससे मिलने आती रहती हैं और ये वहां पर अपनी माँ को महसूस रक्षंदनास के रूप में करता है, उन्हें कई बार खीर बनाकर भी खिलाता है। दोस्तों पाकिस्तानी जेल में बाहर से पका हुआ कुछ नहीं दे सकते हैं, कच्चा कुछ भी आप दे सकते हैं और कैदी अंदर पका सकते हैं, ऐसा नियम है। तो ये वहाँ रक्षंदनास जब भी इनसे मिलने जाती थी तो ये इसको कच्चे चावल वगैरह दे देती थी, दूध वगैरह, और ये उससे उनको खीर बनाकर खिलाता था। तो इस तरीके से इसने वहाँ 3 साल काटे और 18 दिसंबर 2018 को ये पाकिस्तान की मर्दान जेल से रिहा हुआ। इस तरीके से दोस्तों इसके आभासी प्यार ने यानी वर्चुअल लव ने इसको नर्क की ओर ले गया। दोस्तों वर्चुअल लव यानी आभासी प्यार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह जिस लड़की की खातिर इतनी यातना होगी उस लड़की का कुछ पता ही नहीं चला, इसको भी नहीं पता, इसने भी उसे नहीं देखा, आज तक ये देख नहीं पाया क्या वह लड़की थी या नहीं। तो कोई ऐसा ग्रोह रहा हो जिसने इसको ट्रैप किया, फंसाया, इसको जाल फेंका और जाल में यह फंस गया, क्योंकि बहुत सी बातें इस ओर इशारा करती हैं। फेसबुक पर फेक अकाउंट बनाए जा सकते हैं, कई लड़के लड़की बने घूम रहे हैं फेसबुक पर, इस तरीके से इसको और इशारा होता है कि इसको फंसाया गया हो। जैसे दोस्तों कुछ बातें उठती है आप कमेंट्स में जरूर करना कि वास्तव में इसे फंसाया गया था या इसका प्यार सही था। तो जैसे कि दोस्तों बात यह आती है कि वह लड़की का पता ही नहीं, लड़की जो है खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान थे, वहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा छूट नहीं है, तो 2011 में वहाँ कंप्यूटर पर इतना समय बिताने लड़कियों को कैसे दे दिया। दूसरी बात दोस्तों जब घर वालों को पता चल गया था तो दोबारा लड़की लॉग इन कैसे हो गई फेसबुक पर, ये बात भी संदेह के घेरे में लाती है। फिर तीसरी बात दोस्तों जब घर वाले शादी करने लगे तो लड़की फिर लॉग इन हो गई, जबकि वह प्रांत तो लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी देता ही नहीं है, और फिर से उस इसको उकसाया कि आ जाओ मुझे ले जाओ। जब घर वालों को बात पता लग गई थी तो इतनी छूट तो शायद नहीं मिल सकती थी। इसके बाद दोस्तों बात यह आती है कि जब इसने पाकिस्तानी दोस्त बना तो उसी प्रांत के इसके दोस्त बन गए जिन्होंने इसको उकसाना चालू कर दिया और इसकी मदद करने का आश्वासन दे दिया। आप ही बताएं आपके मोहल्ले की कोई लड़की हो और उससे कोई दूसरे मोहल्ले का लड़का आपसे मदद मांगेगा कि मेरी मदद करो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो शायद आप नहीं करेंगे, तो फिर तो ये दुश्मन देशों की बात थी। तो ये कुछ बातें इस ओर इंगित करती हैं कि इसको इस तरीके से जाल में फंसाया गया और इस तरीके का कोई प्यार नहीं था। तो दोस्तों बात यही आती है, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इस तरीके से इंटरनेट के द्वारा किसी के जाल में ना फंसे, नहीं तो आप ठगे जाएंगे। इसने तो एक छोटी सी गलती के कारण बहुत बड़ा नर्क भोगा, लेकिन अपनी माँ की ताकत, माँ फौजिया अंसारी की ताकत के कारण यह यहाँ आ पाया और आते ही भारत की धरती को इसने चूमा। दोस्तों भारत की वह देश है जहाँ पर बहुत सुकून और शांति है। वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, इसी तरीके से और वीडियो देखने को। कमेंट्स जरूर करना दोस्तों इसका प्यार सही था या नहीं, वीडियो पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना, इसी तरीके से नई जानकारी के लिए देखते रहिए।